नमस्कार, मैं शिवदास और आपका विंग सत्य में स्वागत है। सुनी मैंने भी लोगों की बकवास, वो जो करे 10 बात पर कभी ना सच बात। जाता था मैं स्कूल हाँ लेके बस पास, अब जात में भी बैठू कभी कभी फर्स्ट क्लास। तो आज बात करने जा रहे हैं सिनेमा की उस नगरी के बारे में जिसमें पाकिस्तान के नाम पर और इंडिया के नाम पर ऐसा परोसा जाता है। मेरा इन सिनेमा बनाने वालों से सवाल है, क्या पाकिस्तान की बड़ाई दिखाकर क्या पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ देगा? क्या वो पुलवामा जैसे वो 26/11 जैसे आतंकी हमले करना बंद कर देगा? क्या वो 26/11 के हमले के गुनहगार दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले कर देगा? क्या वो मकसूद अजहर को फांसी की सजा सुना पाएगा, जहाँ एक और हिंदू की जवानी की अभिनेत्री को भारतीय युवा ठगी हाउस से भरे हुए नजर आते हैं? किसे ज्यादा सेक्स में इंटरेस्ट है? और दूसरी ओर ये देखिए, तुमने वो एडल्ट फिल्म देखी है? हे हैंडसम, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम? ये कैरी डंपर जैसी इसकी पहली, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनू, इसका तो क्या ही कहना। सुना एडल्ट काम से परहेज। तो इनकी फ्रेंड एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है मल्लिका दुआ, जिन्होंने बहुत फेमसली 2019 में पुलवामा अटैक के बाद कहा था कि भाई लोग तो रोज मारे जाते हैं इंडिया में, इसके लिए हम क्यों आउटरेज कर रहे हैं इतना। और ये माता जी एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ हमारे विनोद दुआ जी की सुपुत्री भी हैं। अब तो भैया इस मूवी को सेक्युलर होने से कोई नहीं रोक सकता। पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस मूवी का ट्रेलर अभी तक देखा है? आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या आप इस मूवी को देखेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद।